23 मई को गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर परिसर में स्थित दीक्षा भवन एवं कला संकाय व खजनी विधानसभा का बैडमिंटन हॉल में मतों की गिनती होगी। 23 मई को होने वाले मतगणना के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बैरिकेटिंग से स्ट्रांग रूम तक जाने के लिए रास्ते को सील कर दिया गया है, साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। तैयारियों का जायजा लेने एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव पहुंचे और कला संकाय भवन स्थित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। एडीएम सिटी ने मतगणना की तैयारियों के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। 23 मई को मतगणना के दिन सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। मतगणना में सबसे पहला रुझान 9:30 बजे से आएगा। 11 बजते बजते हार जीत की तस्वीर साफ होने लगेगी। करीब 2:30 बजे तक दोनों लोकसभा सीटों का अंतिम परिणाम सामने आ जाएगा। मतों की गिनती में सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, इसके बाद ईवीएम से गिनती शुरू की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए एडीएम सिटी आर के श्रीवास्तव ने कहा, मोबाइल फोन के लिए क्या सर सर मैं सर जाएंगे बाकी सब तीनों जिला सब तीनों लोकसभा सर और स्पीकर का विशेष परिस्थिति होगा हम लोग आए देखने के लिए, एक अच्छे के साथ अंदर ही है ना। अंदर हाँ बोलो एक टेबल में से एक कोई टेबल किनारे की तरफ भी अच्छी है, उसको चारों तरफ से घेर के पैसे और ऊपर से भी पैसा वायर लगेगा और पीछे घुसने की जगह पर एक दरवाज़ा टाइप का उसका रहे, तो घुसने के बाद फिर तार से मार लीजिए ताकि जो तक मैं ले लेंगे किसी को आइए।
परसों मतगणना के लिए हमारे पास दीक्षा भवन में 5 विधानसभा जो गोरखपुर की हैं उनके लिए काउंटिंग हॉल की तैयारी चल रही है, वही व्यवस्था पूरी की जाने के लिए हम लोग देखने आए हैं। और इसी तरह बांसगांव में 3 विधानसभाओं की काउंटिंग होनी है, उसके लिए सीसी कैमरे वगैरह काउंटिंग हॉल में लगने हैं, वो सब व्यवस्था हम लोग देखने के लिए हम और रेडियो साहब यहाँ पर आए हैं। SDM TP वर्मा साहब हैं चौरी चौरा के, तो यहाँ पर व्यवस्था चल रही है। और खजनी के लिए बैडमिंटन हॉल में वहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। स्ट्रांग रूम सुरक्षित है। 19 तारीख की रात में जब मशीनें आ गई थी तो हम लोग ने CPMF को वो हैंडओवर कर दिया है, एकदम सुरक्षित है, एकदम कोई दिक्कत नहीं।